हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ उज्जवल सक्सेना और अनुज सर को तो आप पहचान ही गए होंगे, तो सर प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सभी को एक बार। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को। मेरा नाम अनुज गंगवार है। मैं कुमार ऑटो व्हील्स महिंद्रा रुद्रपुर उत्तराखंड में एज अ डिजिटल सेल्स मैनेजर कार्य कर रहा हूं। और आज हम दोनों लोग, उज्जवल जी और मैं, दोनों लोग महिंद्रा बुलेरो के रिव्यूज को चेक कर रहे हैं। तो जी हाँ, जैसा कि सर ने बताया, आज इस वीडियो में आपको महिंद्रा बुलेरो के बारे में पता चलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक बेसिक वॉक अराउंड से। इन द मीन टाइम आपको मैं कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा, उसके बाद डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और इस बेल आइकन को दबाने में भी बिल्कुल ना शर्माएं, ताकि जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं इंडियन कार मैन्युफैक्चरर महिंद्रा की एसयूवी बुलेरो पावर प्लस ZLX मॉडल का। बुलेरो सिर्फ डीजल इंजन ऑप्शन में अवेलेबल है, जिसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 7.4 लाख से और टॉप एंड वेरिएंट 9.12 लाख तक जाता है। ट्रांसमिशन ऑप्शंस के बारे में बात करूं तो बुलेरो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन में ही अवेलेबल है। और एवरेज की बात करें तो बुलेरो का क्लेम्ड ARAI एवरेज 15.96 किलोमीटर पर लीटर का है। ये आप देख रहे हैं वाइट कलर, और बुलेरो हमें ब्लैक, सिल्वर, ब्राउन, बीज और रेड कलर ऑप्शन में भी अवेलेबल है। तो चलिए अब सबसे पहले बात करें गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो ओवरऑल एक एग्रेसिव और बॉक्सी फ्रंट प्रोफाइल है बुलेरो की। तो ये आप देख सकते हैं फ्रंट प्रोफाइल कार की, काफ़ी मस्कुलर डिज़ाइन दिया गया है फ्रंट प्रोफाइल को। अब बुलेरो के फ्रंट ग्रिल के बारे में बात करूँ तो वर्टिकल स्लैट्स दी गई हैं फ्रंट ग्रिल में और काफ़ी एनलार्ज्ड एयर वेंट्स हैं। तो ये बुलेरो का सिग्नेचर फ्रंट ग्रिल, जिसमें मिडल में क्रोम की हाइलाइट्स दी गई हैं एक अपीलिंग लुक देने के लिए, और नीचे हनीकॉम मैशिंग दी गई है। नेक्स्ट हेडलैम्प्स के बारे में बात करें तो ये आप देख रहे हैं बुलेरो के हॉक आई शेप्ड कन्वेंशनल हेडलैम्प्स। हेडलाइट्स में भी इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे। तो बुलेरो में कन्वेंशनल हेडलैम्प्स मिलेंगे हेडलाइट लेवलिंग फंक्शन के साथ। नेक्स्ट फॉग लैम्प्स के बारे में बात करूं तो फॉग लैम्प्स प्री इंस्टॉल्ड तो नहीं आते, लेकिन सर्कुलर शेप्ड के फॉग लैम्प्स एज एन एक्सेसरी आप लगवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बुलेरो की एक्सेसरीज के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। फ्रंट बम्पर काफी बोल्ड और एग्रेसिव लुक दे रहा है कार को। तो ये तो बात हुई फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। चलिए अब साइड प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो टोटल 4221 mm की लेंथ है कार की। साइड प्रोफाइल में अब व्हील्स के बारे में बात करूं तो बुलेरो में 15 inches के व्हील्स मिलेंगे। ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट व्हील में हमें मिलेंगे वेंटिलेटेड डिस्क टाइप ब्रेक्स। बुलेरो में टोटल 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, तो आप इसको बिना सोचे समझे कहीं पर भी ऑफ रोडिंग के लिए भी आराम से लेके जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल में ये है बॉडी कलर्ड ORVMs और ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स मिलेंगे। और साइड प्रोफाइल में न्यू बॉडी ग्राफिक्स भी दिए गए हैं ZLX मॉडल में, आप देख रहे हैं ये। तो रियर व्हील के बारे में बात करें तो रियर व्हील में आपको ड्रम टाइप ब्रेक्स मिलेंगे। तो ये तो बात हुई रियर व्हील के बारे में। तो साइड में वैसे साइड स्टेपर भी दिया गया है बुलेरो में, जो आप अंदर चढ़ते टाइम आपको हेल्प करेगा। तो ये तो बात हुई साइड प्रोफाइल के बारे में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बुलेरो की रियर प्रोफाइल के बारे में। तो रियर प्रोफाइल कार की कुछ इस तरह की दिखेगी। तो काफी बॉक्सी डिजाइन है कार का, और ये आप देख सकते हैं टेल लैंप क्लस्टर, जिसमें आपको इंटीग्रेटेड ही टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे, और स्पेयर व्हील आपको बूट गेट पे ही माउंटेड मिलेगा। और ड्यूअल टोन में डिजाइन स्पेयर व्हील कवर रियर प्रोफाइल को एक स्पोर्टी लुक दे रहा है कार की। और रियर विंडशील्ड में हमें वाइपर और वॉशर भी मिलेगा ZLX मॉडल में, और ऊपर हाई माउंटेड ब्रेक लाइट्स दी गई हैं। तो बूट गेट को ओपन करेंगे तो टोटल 690 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है आपको बुलेरो में। बूट गेट पे बीच कलर्ड इंटीरियर्स मिलेंगे, और ग्रैब हैंडल्स भी दिया गया है बूट गेट पे। नीचे ब्लैक कलर्ड फिनिशिंग में डोर ओपनर,
और नीचे कोई स्पेस नहीं मिलेगी आपको बॉटल्स मैप्स मैगजीन वगैरह रखने के लिए बूट गेट पे। और ये है थर्ड रो पैसेंजर सीट्स, थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे। तो चलिए अब थर्ड रो में बैठकर आपको दिखाता हूँ कितना लेग रूम मिलेगा 6 फीट पर्सन के लिए। तो स्टेपर भी दिया गया है थर्ड रो में चढ़ने के लिए, तो आप देख सकते हैं लेग रूम में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 6 फीट के पर्सन आराम से बैठ सकते हैं। और ऊपर भी एक ग्रैब हैंडल दिया गया है जो ऑफ रोडिंग करते टाइम हेल्प कर सकता है आपकी। तो चलिए अब थर्ड रो से निकलकर बात कर लेते हैं फ्रंट कैबिन के बारे में। तो काफी बॉक्सी डिजाइन है कार का, चलिए अब आपको ड्राइवर साइड डोर ओपन करके दिखाता हूं। तो प्रीमियम बीज इंटीरियर्स मिलेंगे, तो ये आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड डोर जहां कॉफी कलर्ड फिनिशिंग मिलेगी डोर ग्रैब हैंडल्स पे, और ब्लैक कलर्ड फिनिशिंग में आपको डोर ओपनर मिलेगा। डोर पे नीचे बॉटल्स रखने के लिए और मैप्स मैगजीन वगैरह रखने के लिए भी स्पेस मिलेगी। और ये है फ्रंट कैबिन लुक, ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं ड्राइवर साइड एसी वेंट्स की। तो ये आप देख सकते हैं एसी वेंट्स कॉफी कलर्ड फिनिशिंग इंसर्ट्स के साथ एसी वेंट्स के अराउंड, और नीचे हमें कुछ कंट्रोल्स मिल जाएंगे हेडलाइट लेवलिंग के। बोलेरो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन में अवेलेबल है, तो नीचे आप देख सकते हैं 3 पेडल्स। और अब बात करें ड्राइवर सीट की, तो ड्राइवर सीट को एडजस्ट करने के लिए मैनुअल कंट्रोल्स दिए गए हैं, तो मैनुअली आप ड्राइवर सीट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अब अंदर बैठते हैं और बात कर लेते हैं इंटीरियर्स की। बोलेरो में भी साइड स्टेपर भी दिया गया है जो हेल्प करता है अंदर एंटर करने में। तो यह है सर्कुलर शेप्ड का 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील जिसमें सिल्वर कलर इंसर्ट्स दिए गए हैं स्टीयरिंग व्हील पे। और यह है बोलेरो की जिसमें लॉक अनलॉक कंट्रोल्स दिए गए हैं, और एक और फीचर मिलता है जिससे आप कार की को डिसेबल कर सकते हैं। की को इंसर्ट करते हैं तो यह है बोलेरो का डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पैनल रेड हाइलाइट्स के साथ। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में राइट साइड में मिलेगा आपको फ्यूल लेवल इंडिकेटर, साइड में डिजिटल स्पीडोमीटर और टैकोमीटर, लेफ्ट साइड में वार्निंग इंडिकेशंस मिल जाएंगे, और ऊपर इंजन टेम्परेचर डिस्प्ले होगा। और टॉप मॉडल ZLX में आपको एक मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले यानी कि MID स्क्रीन भी मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं MID स्क्रीन जो शो करेगी डेट टाइम डोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी कार का डोर कोई ओपन रह गया है तो वो भी आपको यहाँ डिस्प्ले होगा कि कौन सा डोर ओपन है, और करंट माइलेज भी दिखाएगी, और डिस्टेंस टू एम्प्टी यानी कि फ्यूल जो बचा है उससे आप कितने किलोमीटर तक इस कार को लेके जा सकते हैं वो भी डिस्प्ले होगा MID में। और ये है AC वेंट्स, और नीचे कैनवुड का सिंगल डिन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सपोर्ट करता है ब्लूटूथ CD AM FM रेडियो USB ऑक्स, और नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा और कुछ स्पेस। और यह है 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन लीवर, और पीछे 2 कप्स रखने के लिए स्पेस मिल जाएगी। और यह है पावर विंडो के कंट्रोल्स, सभी पावर विंडो मिलेंगी। को ड्राइवर साइड सीट कुछ इस तरह की दिखेगी। को ड्राइवर साइड सनशेड पे हमें वैनिटी मिरर मिलेगा, तो ये आप देख सकते हैं सनशेड इस पे वैनिटी मिरर मिलेगा। और यह है IRVM। नेक्स्ट को ड्राइवर साइड ग्लव बॉक्स के ऊपर ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं जो ऑफ रोडिंग करते टाइम काम आएगा, और ये आप देख सकते हैं ग्लव बॉक्स, ठीक ठाक स्पेस मिलती है ग्लव बॉक्स में। ड्राइवर साइड सनशेड के बारे में बात करें तो सिंपल मिलेगा, कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। चलिए अब ड्राइवर सीट से निकलकर रियर पैसेंजर की बात करते हैं। अगर आप जहां रहते हैं वहां रोड्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो आप बोलेरो को ले सकते हैं, क्योंकि इस बजट में बोलेरो एक अच्छी चॉइस है जिसको आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, जो एक 7-सीटर होने के साथ साथ ऑफ रोडिंग में भी आपको निराश नहीं करेगी। तो बोलेरो एक रफ एंड टफ SUV है जिसको आप लॉन्ग टूर्स पर भी लेके जा सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और यह है रेयर पैसेंजर्स कैबिन,
रियर पैसेंजर्स के लिए भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे और एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए। चलिए अब आपको दिखाता हूँ मिनिमम एंड मैक्सिमम लेग रूम। तो प्रेजेंटली मैंने ड्राइवर सीट को बिल्कुल पीछे करा हुआ है, तो आप देख सकते हैं 6 feet पर्सन के लिए कितना लेग रूम मिलेगा। ये मिनिमम लेग रूम है, तो आप देख सकते हैं नी सीट से टच हो रही है। चलिए अब आपको मैक्सिमम लेग रूम दिखाता हूँ। ट्रांसमिशन टनल हाइट काफ़ी कम है, तो मिडल पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रेजेंटली मैंने को ड्राइवर सीट को बिल्कुल आगे करा हुआ है, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम लेग रूम जो हमें मिलेगा, तो ठीक ठाक स्पेस मिलता है मैक्सिमम लेग रूम में। और ये है फ्रंट डैशबोर्ड व्यू रियर पैसेंजर सीट से, और ये सेंटर केबिन लाइट्स मिलती हैं आपको। चलिए अब बोनट ओपन करके दिखाता हूं आपको बोलेरो का इंजन। तो बोलेरो ZLX पावर प्लस में हमें मिलता है 2.5 लीटर M2 DICR 4 सिलेंडर इंजन, जो देता है 62.1 BHP की पावर 3200 RPM पे, और टोटल 195 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क 1400 से 2200 RPM पे। टोटल 60 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, और प्रेजेंटली BS4 कंपैटिबल इंजन है बोलेरो में, जो 16 का एवरेज देती है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है महिंद्रा बोलेरो या महिंद्रा की किसी भी कार से रिलेटेड, तो सर की कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगी। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, किसी को भी कोई भी क्वेरी होती है तो उसको आप कॉल कर सकते हैं ऑफिस टाइम में, मैं उसको रिसॉल्व करके दे सकता हूं। तो जी हाँ, आपकी कोई क्वेरीज है तो सर उसको सॉल्व कर देंगे पूरा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और हाँ, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट और बाइक चलाते समय हेलमेट लगाने में बिल्कुल ना शर्माएं, ये आप ही की सेफ्टी के लिए है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।